नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा में 2024 को लेकर हुंकार भरी और सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है और युवाओं को अपने जिगर का टुकड़ा भी बताया है। शाह ने कहा कि देश पर जब जब संकट आया तब पंजाब और हरियाणा की धरती ने दुश्मन के सीने छलनी कर दिए। शाह ने हरियाणा की वीर माताओं और खिलाड़ियों को भी प्रणाम किया। साथ ही अमित शाह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र के कामों को सराहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमित शाह का स्वागत किया, साथ ही विरोधियों को निशाने पर लिया। इसके अलावा मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनवाया। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि धारा 370 को हटाने वाले अमित शाह हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश सुरक्षित है। इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि वो अमित शाह की प्रेरणा से ही राजनीति में आई हैं और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत ये रैली की जा रही है। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लौह पुरुष बताया और धारा 370 हटाने को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। मैं जब भी आता हूं हरियाणा तब हमेशा इस बात को याद करता हूं कि जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की है। हरियाणा का किसान देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कपास की वो नीचे वाला जो जमा के रखती थी, सरसों के ठासरे जमा के रखती थी, गोसे बना के रखती थी, हर घर में गैस पहुंचाकर और हर घर में पानी पहुंचाकर जो भारत को बदला है, एक गौरवशाली भारत बनाने का जो काम किया है। हमारी बहनों की भी ऊंचाई एक एक डेढ़ डेढ़ इंच और बढ़ गई है इसके कारण से, नहीं तो वो गोबर वाला तसड़ा सिर पर रहता था और पानी की टोकरी सिर पर रहा करती थी, और दोनों से बचाने का काम आपकी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जिसमें आप सब मंत्रीगण हैं, करने का काम किया है। सिरसा ने जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी का पलक पांडे बिछाकर यहां पर इंतजार किया, वो इंतजार खत्म हुआ है। एक बार जोरदार नारा जो है हम, ताकि हमारे जो आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते हैं, जिन्होंने इस सिरसा की धरती पर पदार्पण किया है, संत महात्माओं की धरती पर पदार्पण किया है, जोरदार नारे के साथ हम जो है एक बार, उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां पर बुलाएंगे। भारत माता की। इस ऐतिहासिक स्थल पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जिन्हें मैं लोह पुरुष कहूं तो गलत नहीं होगा, मैं आज कहता हूं जो मोदी जी का सारा जो मामला चल रहा है वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी उनका सुदर्शन चक्कर है, जिन्होंने पूरे देश में 2 बार ऐतिहासिक रचाए। और एक ऐसा इशू था जिसे कोई नहीं, तब मैं कांग्रेस में था, पर कांग्रेस में भी डेस्क बजा के स्वागत करा जब आपने बिना कोई खून कतल के, और जिस दिन कश्मीर का पार्लियामेंट में अनाउंस करा उस दिन सारा भारत सब देख रहा था कि हमारे लोक पुरुष ने ये काम करा।